छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को उनका हक दिया है, उनका हक बीजेपी के लोगों ने छीना है। राहुल गांधी ने कहा कि जंगल को खत्म करने की कोशिश भाजपा कर रही है, जब जंगल ही नहीं रहेगा तो आदिवासी कहां जाएंगे। आपको जमीन जल जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब अधिकार नहीं है, भागीदारी ना हो, यह लड़ाई है। आप देखिए, हम आपके लिए पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए, मनरेगा लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, आपका जो हक है, आपकी जो जमीन है, वो हम आपको वापस देते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, आपके धर्म पर, आपकी विचारधारा पर, आपकी भाषाओं पर, आपके इतिहास पर आक्रमण करते हैं।